अस्सलाम गाइस, दिस इज मी ओबकर मुगल अगेन। आज का जो व्लॉग है उसमें बेसिकली ये सीन है कि मैं जा रहा हूँ, एक कार शो हो रहा है इतिहाद टाउन में। सुने अच्छा होगा, लेकिन हमने दोपहर को निकलना था जब धूप का टाइम हो रहा था और हम अच्छे से चीजें देख सकते हैं आउटडोर्स में, लेकिन लेट हो गए हैं बहुत। इट्स लाइक 4:40 PM राइट नाउ। अभी हम निकले हैं, पता नहीं क्या सीन है, अच्छा भी है या नहीं है, लेकिन उसके बैनर्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट तो हुई हुई थी, तो वी वुड लाइक चलो यार लेट्स गो एंड सी। खैर एक बॉय को मैंने पिक कर लिया है जो वीडियो बना रहा है, बताया दो बॉयज को पिक करने जा रहे हैं, 4:40 पहले ही हो गए हैं। वो भी मुझे उम्मीद है तकरीबन आधा पौना घंटा हमें और लग जाएगा, बिल्कुल रात हो जाएगी तब हम पहुंचेंगे, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, सीन ये है कि जी मैंने तुम्हें बताया था एक बॉय को मैंने पिक कर लिया हुआ है, इसको कर लिया हुआ था, अब जनाब इन तीनों को अभी पिक किया हमने। हमें पता नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, लेकिन हम जा रहे हैं, तो देखते हैं अब क्या सीन है। सुना तो बड़ा था एक कार शो है जी, बड़ी गाड़ियां शिडियां होंगी और डे टू है ब्रो, स्लाइमी बॉय। खैर निकल गए हैं तो उधर जाके देखते हैं, और मैंने तुम्हें बताया था कि मोस्ट प्रॉब्ली रात हो जाएगी, तो 4:52 हो गए हैं, सो देखते हैं क्या सीन है यार। पहली बात ये है कि हमें इतिहाद टाउन मिल नहीं रहा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोई लौंडा जो है ना मैप लगाने को तैयार नहीं है। तीसरी बात ये है कि अब हम जो है शक में डल गए हैं कि यार इतिहाद टाउन में कार शो है भी या नहीं, तो ये अब 3-4 सिनेरियोज जो है ना एडवांस चल रहे हैं गाड़ी में इस टाइम। ये देखो अब उसने 3-4 ऑप्शंस बता दी हैं इतिहाद टाउन की, आप अंदाजा करें इतिहाद टाउन 2 भी है। ओहो, इतिहाद टाउन 67 में जाना हमने। ये देख लिखा बंद है, बंद है जी, क्लोज आ रहा है गूगल। नहीं बंद है ब्रो, यार जल्दी लगा दो इससे पहले रात हो जाए। लो तो मैं जाने दो, देखा तो आ रही है। बाबर भाई ने गो हेड दिया है तो हम जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है ना ये कह लें आप कर्व है, तो इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल ब्लाइंड कर दिए इस बंदे ने, मैनूवर करते हुए जा रहे हैं। ये जनाब ने लगा दिया और हम जा रहे हैं। वेरी सॉफ्ट क्लोज्ड विंडोज यार, फाइनली जो है इतिहाद टाउन अब पहुंच गए हैं हम, मतलब पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं, और वो मुझे उसका गेट नजर आ गया है। 5:15 हो गए हैं और ऑलरेडी लेट, अगर वीडियो मेकिंग के हिसाब से देखा जाए रात के टाइम वीडियो सही नहीं आती ना सही नजर आता है, बट स्टिल देखते हैं कि अंदर जाके जो है क्या फ्लो चल रहा है। लाला यहाँ पे कार्निवल कहाँ पे हो रहा है, फेस 2 में, तो किधर से जाए? जिया बग्गा ऐसे नहीं हो रहा? यार ये तो उन्होंने सारी वाइब भी टर्न ऑफ कर दी है यार, अब क्या करना है। मतलब पता हुआ ये है कि इन्होंने कहा जी वो तो फेस 2 में हो रहा है, वो जिया बग्गा के साथ है और यहाँ से 25 किलोमीटर। बताएं बाबर भाई क्या सीन है यार, क्या वाइब है आपकी? अब बताओ हमजा आपकी क्या वाइब है? You're behind the wheel man, you're behind the wheel, you will take us where you want to take us, so no problem. यार मैंने तो कहा था, your call, who's call? Sir, मैंने तो कहा था, I sir, after you, sir, yes sir, where you want to go? एक सेकंड, एक और सवाल करते हैं हम इनसे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओहो सॉरी, नो प्रॉब्लम। यार मुझे ये बताएं कि वो कब तक चलना है, कार्निवल है? आखिरी एक सवाल था मेरा, एक सवाल मेरा क्या मेरा, एक सेकंड। गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं वहाँ पे? अच्छा भाई तो गए नहीं है। यार फ्लो ये है कि अब हम ना यहाँ पे रुके हैं, इधर हम खाने के लिए नहीं रुके, कोई एक बॉय ने वॉशरूम जाना था तो इसलिए हम रुके हैं यहाँ पे, कोई खाना चाहने वाला चेकर नहीं है। मैकडॉनल्ड्स जो है ना हैवी तरीके से बॉयकॉट किया हुआ है, और आज वीकेंड है और तुम्हारे सामने कितना खाली है, ऐसे आज तक मैंने मैकडॉनल्ड्स जो है इतना खाली नहीं देखा। सो इधर खड़े हैं हम सोच रहे हैं कि हमने उधर जाना है या नहीं जाना, क्योंकि पता नहीं वर्थ इट होगा कि नहीं। सो इधर खड़े होकर इधर डिस्कशन से चल रही है बॉयज़ की, और फिर अभी हम गाइड करेंगे कि उधर जाना है या नहीं जाना। तो देखो मैकडॉनल्ड्स आए हैं, सुनसानी दिखाएं इनको। मुगल आप मैकडॉनल्ड्स के बाहर क्या कर रहे हैं? यार मैकडॉनल्ड्स के बाहर हम खड़े होकर सोच रहे हैं इस टाइम क्या हमने क्या करना है। बेसिकली ना टर्न ऑफ कर दिया यार उस गार्ड, उसने कहा भाई फेस 2 एंड दैट इज सो फार अवे, आई मीन नॉट सो फार अवे बट स्टिल। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम उधर गए और उधर मजे की वाइब ना हुई, फिर अगर वहाँ पे अब गाड़ियाँ ना हुई जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो, फिर बताओ प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या कहते हो जाना चाहिए 25 किलोमीटर? नहीं, फॉर द फैंस। ये देखो इधर आ गया ना अपना नेक्स्ट प्लान। अब इस बात अगर कैमरा अच्छा हो तो सिविक भी अच्छी लगती। खैर मैं ना तुम लोगों को बता रहा था कि मैकडॉनल्ड्स मैंने कभी इतना खाली नहीं देखा, तो आज जो है मैकडॉनल्ड्स फुल खाली हुआ है। अभी मैं अंदर जाऊंगा वॉशरूम के लिए और मैं तुम लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगा अभी क्या सीन है। चलो बेसिकली ना ये मैकडॉनल्ड्स फुल भरा होता है, लेकिन आज मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। चंद लोग हैं जो खाना खा रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई इन्होंने बॉयकॉट नहीं किया हुआ। हर बंदे का अपना अपना सीन होता है, बट स्टिल मेरे हिसाब से करना चाहिए। Thank you.
सीन ये है कि मेरे को खाली पड़ा हुआ बचा, मैं तो आ गया हूँ जी बाहर और वो लौंडे अब तक खड़े हो गए, पता नहीं इधर उधर छलांगे मार रहे हैं क्या कर रहे हैं। बहरहाल मैं तुम्हें ये दिखा के आया हूँ कितना खाली है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है जेन्युइन कि ये जो है खाली है। चलो बॉय लेट्स गो मैन, कम ऑन निगर, कम ऑन मैन, कम ऑन। आ ये जो बाबर भाई के जो पिक्चर टेकिंग स्किल्स है ना ये, ओए ओए और ये कौन सा एंगल खींच रहा है यार, नहीं ऐसे फुल प्रोफेशनल भाईजान तस्वीर ले ली है इन्होंने इस टाइम, और इस टाइम मौके पे मैं भी मौजूद हूं विटनेस कर रहा हूं इस मोमेंट को। इतनी हेवी पिक्चर आ गई है ना यार, आजा यार यार मेरी भी ले यार दिखाएंगे गाड़ी का कैमरा छोड़ दो, चलो यार बाबर इधर ले यार जरा, ओहो क्या बातें कर रहे हो, चलो चलो पिक्चर ले यार, प्रोफेशनलिज्म चले बाबर भाई। बाबा जी दिखाएं बाबा भाई क्या है ये यार, कितनी पहाड़ी थी जुड़ा, ओह नाइस, नो बैड, ये मजीद पहाड़ी है यार, बड़े मजे की है, ओह माय गॉड, मैंने गुड पिक्चर ये चाह रहे थे ना, हां चाह रहा था अब ना एक तस्वीर लेनी है आपने ऊपर से काफी छोटा है, मैंने सीधी मतलब मैं कहता हूं फैंस के लिए मुगल यही काफी है, कार शो हम नहीं दिखाते आपकी वो, ये बाबा भाई ये थोड़ा सा डायरेक्शन फिर से दे जरा यार, बेसिकली फिर से डायरेक्शन दे बाबा भाई, और ये देखें चेहरे पे स्माइल आ रही है ना, सारे पैसे की स्माइल है, इनको पता है मैं अच्छी तस्वीर लूंगा तो 2000 रुपए मुझे मिलेंगे, चले बाबा भाई एक और लेना तस्वीर, ये देखें ये जो खुशी है ना ये सारी पैसे की खुशी है, ये क्लाइंट जब आपके पैसे अब मुझे ना दिखाना यार, बहुत बुरा लग रहा है, नहीं यार सेक्सी लग रहा है नेचुरल, पूरे शो करा के मैं बहुत सेक्सी लग रहा हूं, रॉ बाबा थैंक यू यार, बहुत थैंक यू यार, वैसे हमारा ना कार शो पे जाने का प्लान, अभी मुझे रियलाइज हुआ कि हम क्या हरकतें कर रहे हैं, ये कार शो भाई साहब, ये आगे हो जो भाई, ओ भाई जा अच्छा अच्छा पिक्चर पिक्चर आ रही है, सब शुरू हो रही है यार, ये देखें जी बिहाइंड द सीन्स बार भाई जो हैं किसी स्पॉट पे लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी तस्वीर आएगी, पैसे पूरे होंगे इस जगह पे, नीचे लिंक में जो है हम नंबर शेयर कर देंगे बार भाई का, लिंक इन बायो, ये देखें जी क्या बात है, पोस्ट चेक कर रहे हैं आप यार, ये फाइनली हम इतिहाद टाउन का, ये देखो तुम लोगों को जो है वो बोर्ड नजर आ रहा है और काफी ज्यादा जो है, एक सेकंड टोपी पहन लो जरा, अच्छा खैर हम ना बेसिकली घूम गए थे फेज टू जा रहे थे, तो जैसे तुम लोगों को बताया था कि फेज वन में नहीं था फेज टू में था, तो ये ना काफ़ी भूल भुलैया वाला रास्ता था और कुछ समझ नहीं आ रही थी, हम चार पांच दफ़ा हमने गलत किया रास्ता, अब ये कोई चौथी ट्राइप है हम जो है फाइनली अब आ रहे हैं, वो सामने तुम लोग देख सकते हो कि वो सारी लाइट्स हैं इतिहाद टाउन की, और यहाँ पे टोयोटा कंपनी ने कार वो करवाया हुआ है, कार मीट है व्हाट्सएवर, वो जाके देखेंगे हम, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू टोयोटा, सो लेट्स सी, तो जाके देखते हैं, फिजा जो है बहुत साफ सुथरी है, मट्टी से भरी हुई है, ये सीन है, वाह जी वाह, चेक करें यार ये बड़ा इंप्रेसिव सा जो है ना, आपस की बात है यार, थोड़ा सा पीछे करना, इसकी ना अप्रोच नहीं अच्छी लगी मुझे, जो सीधी बात है, बट यहाँ पे आगे अप्रोच देखे ना, ये सामने दीवार है और यहाँ पे मेन इनका जो है आई गेस गेट है, आप समझ रहे हैं पॉइंट पर, ये बहरहाल यहाँ से एक बड़ी अच्छा इसका व्यू है और बत्तियां उन्होंने ऐसे लगाई हुई है जैसे ग्रेव हो रही है, स्मॉगी में घुमा से कि कुछ वॉइस भी करे हैं यहां पे इंस्पेक्शन के लिए, कार्निवल ठीक हो गया, उन्होंने थोड़ी जाना है ऐसे जाना, अच्छा उन्होंने सारों का फुल प्रोटोकॉल जरूरी है, आप ये देखे ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखो कितनी मट्टी है इस टाइम फिजा में, बाकी तो बहुत गुड है, बत्तियों बत्तियां उन्होंने किया हुआ है सारा कुछ ना रोशन किया हुआ है, लेकिन मट्टी बहुत ज्यादा है यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड, क्यों बॉयज क्या ख्याल है, क्या कहते हैं बाबू भाई, हम तो ऐसे कह रहे हैं जिस तरह पता नहीं हमारे खालू ने बनाई, कार्निवल वाटर शो इसलिए रखा हुआ ताकि लोग आए, लोगों को पता चले कि यहाँ पे आप घर ले सकते हैं, सड़कें बनी हुई है, फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो बेसिकली दिस इज अ पब्लिसिटी स्टंट बेसिकली यू कैन से, इससे क्या हमें अंदर जाना है ब्रो, लेके जाता नहीं, वाइब मजे की है, वाइब मजे की है ब्रो, राइट साइड सो पार्किंग, मैं ना बेसिकली वाइब मैंने पकड़ ली है इसकी ना सोसाइटी की, ओहो बाहर तो माहौल ही और है बॉय, क्या हो गया है मेरी जान, क्या टेंशन है, अच्छा जी यहाँ पे देखें काफी गाड़ी है यार, गाड़ी भी गाड़ी है, वाओ
ओके गाड़ी शाड़ी पार्क करते हैं यहाँ पे और वहाँ पे जो है ना मेरे लगता है स्टेज वगैरह लगा हुआ है उसके बाद हम उधर जाएंगे तो देखते हैं क्या सीन है लड़कों ने सजेशन दिया है कि जी गाड़ी हम उधर लगाएंगे आगे ओहो नहीं नहीं इसको काम नहीं रुकते ना उधर से मैं इसलिए कह रहा था सड़क से जो आगे फिदान भाई क्या हाल है कैसे हैं पहचाना आपने मुझे पहचाना हमने आप नहीं पहचानेंगे फर्स्ट टाइम मिला हुआ खैर अब गाड़ी उधर लगाना चाह रहे हैं भाई हो यार कोई नहीं आपके पीछे यार मोहब्बत में थोड़ा सा तो चलता है ना सर जी आगे सुबेदार साहब दो मिनट बाद राउंड लगाते हैं अच्छा कहते हैं ये गाड़ी तो वो गाड़ियाँ कितनी हैं गेने वो जो है इंतजामिया वाले हैं उनके हैं ये तकरीबन समझो एक बजे बारह बजे से खड़ी हैं अच्छा बंदा हमारा थका हुआ ना तो इसलिए हमने कहा जरा कम चलना थोड़ा सा चलने में मसला होता है उसको सर कुछ नहीं कर सकते अच्छा बहुत बंदे सर नो प्रॉब्लम मेहरबानी इसको तो लगवा देना ओहो ये क्या खड़ा पीछे इनको तो कहीं लगाएं इनको तो कहीं लगाएं ये देखिए ये चुपके आगे खड़े हुए चुपके जो है ना चिपके खड़े हुए थे हमें नहीं था पता भी जाना मुझे ड्यूटी करना चाह रहे ओके ओके ये इधर लेफ्ट पे लगा ना लेफ्ट पे लगा भाई लेफ्ट पे लगा गलत कर गया तो स्पॉट मिस कर गया ब्रो आपको मैं कह रहा हूँ इधर बेहतर है उधर स्विमिंग पूल नजर आ रहा है आपको बेहतर है इधर बेहतर है अच्छा ये डब्बी के साथ लगाते हैं पीछे डब्बी खड़ी है इसलिए बेहतर है देखो मैं ऑडियंस को कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा इधर आके हमें पता लगा कि कार शो जो था वो खत्म हो चुका हुआ था वी गॉट वेरी लेट फिर इधर से हम निकले खाना शाना खाया हमने और उसके बाद हम घर चले गए सो दैट्स इट फॉर टुडे काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच